हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेके पेपर्स। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं 11th क्लास का केमिस्ट्री का मॉडल टेस्ट पेपर, जो कि सेशन 2023-2024 के लिए जेके बोस ने रिलीज़ किया हुआ है। इस वीडियो में हम यही मॉडल पेपर आपसे डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक देखना, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर हम इस मॉडल टेस्ट पेपर की बात करें तो इसमें यहाँ पर मैक्सिमम मार्क 70 होते हैं। टोटल टाइम आपको 3 घंटे मिलते हैं पेपर सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई है। इसमें लिखा है कि टोटल 4 सेक्शंस होंगे क्वेश्चन पेपर में, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन ए में टोटल 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से हर एक क्वेश्चन का एक एक मार्क होगा। सो टोटल 10 मार्क्स आपके होंगे सेक्शन ए में। सेक्शन बी में यहाँ पर 9 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से हर एक क्वेश्चन के 2-2 मार्क्स होंगे और आंसर आपको 20-30 वर्ड्स में लिखना है। सो टोटल 18 मार्क्स आपके होंगे सेक्शन बी में। सेक्शन सी में यहाँ पर 9 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से हर एक क्वेश्चन के 3-3 मार्क्स आपको मिलेंगे। सेक्शन सी के क्वेश्चंस को आपने 100-150 वर्ड्स में लिखना है। टोटल 27 मार्क्स आपके होंगे सेक्शन सी में। उसके बाद यहाँ पर है सेक्शन डी। इसमें आपको टोटल 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से हर एक क्वेश्चन के 5-5 मार्क्स होंगे। सो टोटल आपके 15 मार्क्स होंगे सेक्शन डी में। सेक्शन डी के क्वेश्चंस को आपने 150-200 वर्ड्स में लिखना है। उसके बाद यहाँ पर है यूज़ लॉग टेबल्स इफ़ नेसेसरी। आपको उस जगह लॉग टेबल इस्तेमाल करना है जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ेगी। यूज़ ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर्स इज़ नॉट अलाउड। इस पेपर में साइंटिफिक कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब यहाँ पर है सेक्शन ए। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 है, सिलेक्ट द करेक्ट वन। इसमें पहला पार्ट है द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम इन। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो है ऑप्शन बी, 18 मोल्स ऑफ वाटर। पार्ट सेकंड यहाँ पर है अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 5th ऑर्बिट इज। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो है ऑप्शन बी, 2.5 h/π। तीसरा पार्ट यहाँ पर है आइडेंटिफाई द लीस्ट स्टेबल आयन अमंगस्ट द फॉलोइंग। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, बेरिलियम आयन। पार्ट फोर्थ यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल कॉरस्पॉन्ड्स टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो है ऑप्शन सी, 120 डिग्री। पार्ट फिफ्थ यहाँ पर है द वॉल्यूम ऑफ गैस इज रिड्यूस्ड टू हाफ फ्रॉम इट्स ऑरिजिनल वॉल्यूम, द स्पेसिफिक हीट विल। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो है ऑप्शन सी, रिमेन्स कॉन्स्टेंट। पार्ट सिक्स्थ यहाँ पर है इन द रिएक्शन, यहाँ पर एक आयोडीन की रिएक्शन दी गई है, विच इज़ द लिवाइस बेस। इसमें हमको बताना है कि लिवाइस बेस कौन सी है। सो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो है ऑप्शन बी। पार्ट नंबर 7 यहाँ पर है इन व्हाट मैनर विल इंक्रीज ऑफ प्रेशर अफेक्ट द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। यहाँ पर नीचे एक रिएक्शन दी गई है, इसमें हमको बताना है कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम पर क्या असर पड़ेगा। सो इसका जो आंसर आएगा वो है ऑप्शन बी, शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। 8th पार्ट यहाँ पर है ए मेटल ऑन एम रेज टू पावर 3+ लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन्स, इट्स ऑक्सीडेशन नंबर विल बी। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो है ऑप्शन डी, +6। क्योंकि अगर हम देखें तो एम का यहाँ पर पावर है +3, इसने पहले ही 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर पावर है +3। अब ये और 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो पावर बनेगा +6। सो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी बनेगी +6। 9th पार्ट यहाँ पर है द ऑक्सीडेशन स्टेटस ऑफ आयोडीन इन HiO4, H3IO5 एंड H5IO6 आर रेस्पेक्टिवली। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो है ऑप्शन सी। 10th पार्ट यहाँ पर है CCl2 इज, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो है ऑप्शन ए, एन इलेक्ट्रोफाइल। सो ये था सेक्शन ए। अब यहाँ पर है सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें पहला पार्ट है राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सेकंड पार्ट इसमें है एट 0 डिग्री सेल्सियस आइस एंड वाटर आर प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम, व्हाट विल हैपन ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर। तीसरा पार्ट यहाँ पर है डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट। पार्ट 4 यहाँ पर है व्हाट आर कार्बोकैटायन्स एंड फ्री रेडिकल्स। 5th पार्ट है गिव टू मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्किन्स। 6th पार्ट है व्हाई इज बेंजीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल दो इट कंटेन्स 3 डबल बॉन्ड्स। 7th पार्ट है डिफाइन इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन। 8th पार्ट यहाँ पर है डिफाइन रेजोनेंस ओजोनोलिसिस। 9th पार्ट है डिफाइन सल्फोनेशन गिव एग्जाम्पल। उसके बाद यहाँ पर है सेक्शन सी। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें पहला पार्ट है डिस्कस लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन विद एग्जांपल्स।
दूसरा पार्ट है एन इनऑर्गेनिक साल्ट गेव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन, यहाँ पर सोडियम सल्फर और ऑक्सीजन की कंपोजिशन दी गई है। कैलकुलेट द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द साल्ट, आपको यहाँ पर साल्ट की एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करनी है। पार्ट थ्री यहाँ पर है डिस्कस अब्बास प्रिंसिपल एंड हुंडस रूल। फोर्थ पार्ट यहाँ पर है व्हाट इज डायगोनल रिलेशनशिप विद एग्जांपल। फिफ्थ पार्ट है एक्सप्लेन SP2 हाइब्रिडाइजेशन विद एग्जांपल। सिक्स्थ पार्ट है ऑन द बेसिस ऑफ VSEPR यानी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी प्रिडिक्ट द शेप्स ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, आपको नीचे मॉलिक्यूल्स और आयन्स दिए गए हैं, आपको इनकी शेप प्रिडिक्ट करनी है अकॉर्डिंग टू विस्पर थ्योरी। सेवन्थ पार्ट यहाँ पर है स्टेट एंड एक्सप्लेन हेस लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट हीट समेशन। एट्थ पार्ट यहाँ पर है व्हाट इज बफर सॉल्यूशन, गिव इट्स टाइप्स। नाइन्थ पार्ट है गिव थ्री मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्काइन्स। सो ये था सेक्शन सी, अब यहाँ पर है सेक्शन डी। सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर फोर में पहला पार्ट है व्हाट आर क्वांटम नंबर्स एक्सप्लेन, इसके साथ और है स्टेट एंड एक्सप्लेन हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। दूसरा पार्ट यहाँ पर है डिफाइन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, डिराइव इट्स मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, इसके साथ और है डिफाइन हीट कैपेसिटी, डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन CP एंड CV। पार्ट थर्ड यहाँ पर है एक्सप्लेन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसके साथ और है राइट द IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नीचे यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिए गए हैं, आपको इनका IUPAC नाम बताना है। सो टोटल नीचे ये 5 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिए गए हैं, आपको इनका IUPAC नाम बताना है। सो ये था इस मॉडल टेस्ट पेपर का आखिरी क्वेश्चन। इससे पहले हमने इंग्लिश, फिजिक्स, जूलॉजी और बॉटनी का मॉडल टेस्ट पेपर अपलोड किया हुआ है, अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे तो उनकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। सो ये था आज का वीडियो, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना।